الحمد لأهله والصلاة لأهلها أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود الآية وقال النبي صلى الله عليه وسلم رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم دشمن سے کہو اپنا ترکش چاہے تو دوبارہ بر لائے دشمن سے کہو اپنا ترکش چاہے تو دوبارہ بر لائے इस सिमत करोड़ों सीने हैं उस सिमत अगर है तीर बहुत दुनिया में दो ही ठिकाने हैं आजाद मनुष्य इंसानों के या तख्त जगह आजादी की या तख्त मकाम आजादी का वाजिबुल इहतराम हजरात उलमाए किराम असातिज़े इकराम व तुलबाए उज़्ज़ाम आज के इस पुरौनक बारौनक पुरवकार बावकार महफिल सईद में जिस अनवान को अपने लबों की जीनत बनाना चाहता हूँ वो है वतन की हिफाजत सीरती तय्यबा की रोशनी में। अजीजान मोहतरम ये अनवान हर मुहिब्बी वतन ज़ी-शुऊर शहरी के लिए बड़ी अहमियत का हामिल है। वतन की हिफाजत की अहमियत उस्वे नबी की तनाजुर में देखता हूँ तो मुझे नजर आता है कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद एक मुहाफिज़ी वतन है। सन 5 हिजरी में मुख्तलिफ जंगों के अंदर जख्म खुर्दा मुशरिकीन मक्का ने 10,000 से ज्यादा लश्कर लेकर मदीना मुनव्वरा पर हमला किया। पैगंबर अलैहिस्सलाम सहाबे इकराम से मशवरा करते हैं। हजरत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो पैगंबर अलैहिस्सलाम को खंदक खोदने का मशवरा देते हैं। पैगंबर अलैहिस्सलाम सहाबे इकराम को मदीने की जमीन तकसीम फरमाते हैं कि 10 गज जमीन एक सहाबी ने खंदक खोदनी है। चुनांचे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने भी जमीन खोदने के लिए अपना हिस्सा मुकर्रर फरमाया। इससे मालूम हुआ कि वतन की हिफाजत करना कितना अहम और जरूरी है। वतन की हिफाजत एक ऐसा फरीजा है जिसे इस्लाम में बड़ी अहमियत दी गई है। वतन की हिफाजत एक दीनी फरीजा है। कुरानी मजीद में रब्बी जुल जलाल का इरशाद है وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ वतन की हिफाजत के लिए जंगी तैयारी और दिफाई कुव्वत को मजबूत करना इस्लाम का हिस्सा है। वतन की हिफाजत और सरहदों का पहरा देने वालों के लिए कभी फरमानी नबुवत यूं गोया होता है रिबातु यौमिन फी सबीलिल्लाहि खैरुम मिनद दुनिया वमा अलैहा। वतन की हिफाजत वो दीनी फरीजा है जो कुरान व हदीस और सीरती तय्यबा की तालीम से वाज़ह होता है। लिहाजा अपने वतन से मोहब्बत रखना और इसकी हिफाजत के लिए हर मुमकिन कोशिश करना बकौल इक़बाल ये सबक देता है कि वतन की फिक्र कर नदा क़यामत आने वाली है। वतन की फिक्र कर नदा क़यामत आने वाली है। तेरी बर्बादियों के तस्करे हैं आसमानों में। अरबाबी ज़ीवकार जब पैगंबर अलैहिस्सलाम मक्का मुकर्रमा से हिजरत फरमाकर मदीना मुनव्वरा तशरीफ ले आए तो वहां एक इस्लामी रियासत कायम की
और उस रियासत का दिफा किया और मुख्तलिफ गजवात में जाना पड़ा। जरा देखिए, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदर में उतरते हैं तो 313 शहादत के मुतवाले सहाबे इकराम भी गुलशन इस्लाम की बुनियादों में अपना लहू गिराकर उसकी अभियारी करने के लिए बदर की सरजमीन की तरफ निकल पड़ते हैं। अका उहद की दामन में पड़ाव डालते हैं तो शहादत के मुतवाले सहाबा साथ नजर आते हैं। गज़वे खंदक में अका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेट पर दो दो पत्थर बांधकर खंदक खोदने में मसरूफ नजर आ रहे हैं और फरमा रहे हैं, अल्लाहुम्मा लौला अंत महतदैना वला तसद्दकना वला सल्लैना فَأَنزِلَنْ سَكِينَةً عَلَيْنَا وَثَبِّتِ الْأَقْدَامَ إِلَّا قَيْنَا। जान निसारानी सहाबे इकराम भी वतन व दीन की हिफाजत की खातिर पेट पर पत्थर बांधकर खंदक खोदने में मसरूफ नजर आ रहे हैं और نَحْنُ الَّذِينَ بَايَعُوا مُحَمَّدًا عَلَى الْجِهَادِ مَا بَقِينَا أَبَدًا के ऐलान सिदक व वफा के साथ इस बात का अज़्म मुसम्मम रखते हैं कि अगर नबुवत वाली जबान से समंदरों में कूद जाने का हुक्म मिले तब भी कर गुजरेंगे। बिलाखिर सहाबा इकराम ने जिहादी यलगार की अजमत और अपने मुकद्दस लहू की बरकतों से शहादतों की दास्तान का ऐसा गुलशन सजा दिया है कि जिसकी शादाबी से तारीख के अवराक आज भी सदबहार नजर आ रहा है और मुसलमानों का सर फखर से बुलंद हो चुका है। 6 सितंबर 1965 का दिन हमें हुजूर अलैहिस्सलाम की वो सुन्नत याद दिलाता है कि उन जानबाजों ने, उन गुज्जूर मुसलमानों ने अपने से कई बड़े दुश्मन का मुकाबला करके अपने तन मन धन की बाजी लगाकर मुल्क का दिफा किया। कम कुव्वत होने के बावजूद, बेसर सामानी के बावजूद रब्बुल आलमीन ने वतन अजीज पाकिस्तान को फतह व नुसरत से सरशाद फरमाया। मैं उन शहीदान राह हक के बारे में यही कहूंगा कि वो लोग जिन्होंने खून देके फूलों को रंगत बख्शी है, वो लोग जिन्होंने खून देके फूलों को रंगत बख्शी है, दो चार से दुनिया वाकिफ है, गुमनाम न जाने कितने हैं। वमा अलैना इल्ला